कबीरदास जी ने सत्संग की महिमा को जीवन में बहुत आवश्यक माना है। साधु की संग होना चाहिए, क्योंकि उससे ही व्यक्ति में जो विचार हैं उनको विशालता मिलती है, उनका विस्तार होता है और उससे ही वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्होंने संगति पर बहुत ध्यान दिया। लेकिन साधु होना कैसा चाहिए उसकी विशेषता बताते हुए वो कह रहे हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। लेकिन साधु कैसा होना चाहिए कि जो हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन ग्रहण कौन सी करें, सार सार को कह रहे, जो अच्छी बातें उन्हें हम ग्रहण करें, जो बेकार है उसे हटा दें, उनकी तरफ ध्यान न दें। होता उल्टा है समय, हम जो बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, उन पर तो बहुत बहस करते हैं, उन पर तो हम तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जो गहराई की बातें हैं, जो विचार करने योग्य बातें हैं, जो विचारणीय हैं, जो तार्किक हैं, उन पर हम विचार नहीं करते, उन पर हम तर्क नहीं करते। तो यहाँ पर वो इसी विशेषता को, तार्किकता की विशेषता को बताते हुए कह रहे हैं क्या है कि साधु भी हम ये ध्यान रखें कैसा होना चाहिए साधु, कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। अनाज को साफ करने के लिए सूप का प्रयोग होता था और सूप में अनाज रखकर उसे हिलाते थे, जिससे क्या होता था कि जो हल्की फुल्की जो बेकार की जो घास होती थी या जो फूस होता था वो उड़ जाता था, जो आगे आ जाता था, और साफ अनाज पीछे रह जाता था, उसको छोड़ देते थे, जो घास फूस होता था उसे निकाल देते थे, जो भूसा हो जा अनाज में, जब पहले जैसे अनाज बनते थे उस तरीके से बहुत भूसा उसके साथ आ जाता था तो उसे निकाल दिया जाता था सूप की सहायता से। तो जैसा सूप स्वभाव, ऐसा जैसे सूप होता है वो थोथा दे उड़ा, जो व्यर्थ की चीजें उसे छोड़ देता है, उड़ा देता है, और जो सार है, जो अच्छा अनाज है उसे ग्रहण कर लेता है, उसे एक तरफ कर लेता है। तो ऐसा ही गुरु जो साधु है वो होना चाहिए। साधु सज्जन पुरुष के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिनका हम सत्संग हमें करना चाहिए, ऐसे लोगों की बात उन्होंने साधु शब्द के लिए प्रयोग किया है उसके लिए। तो कह रहे हैं कि कैसा होना चाहिए, जैसा सूप स्वभाव और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ा, जो थोथा है उसे हम छोड़ दें और जो सार की चीज है, जो तत्व है, जो मुख्य बात है उसे हम ग्रहण करें। बहुत सुंदर बात की कहते हैं बहुत से कबीरदास जी ने, तो साधु की महिमा को कितना सुंदर बताया कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो साधु होते हैं, अगर आप उनके पास ऐसे भी बैठ जाएंगे, उनसे कुछ नहीं भी सीखेंगे तो भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। तो कबीरदास जी ने तो बहुत सुंदर बात की यहाँ पर, कबीरा संगत साधु की ज्यो गंदी का वास, जो कछ गंदी देहना तोहु वास वास। गंदी यानी इत्र बेचने वाला, इत्र बेचने वाले के पास यदि आप खड़े भी हो जाएं तो भी आपको उसकी सुगंध मिलती रहेगी, आप उसकी कीमत चुकाएं या ना चुकाएं फिर भी आपको गंध मिल जाती है। तो इसी तरीके से कबीरदास जी का कहना है कि अगर आप साधु की संगत में रहें, आप उससे कुछ ना भी सीखें तो भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जिस तरीके से गंदी के पास खड़े होने से आपको गंध मिलती रहती है, उसकी खुशबू मिलती रहती है, उसकी महक से आप सुवासित होते रहते हैं, वैसे ही अगर साधु की संगत में रहें, आप उससे कुछ ना भी सीखना चाहें, ना भी कुछ देना चाहें, तब भी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। बहुत ही सुंदर उदाहरण कबीरदास जी ने यहाँ पर दिया और साधु की महत्व को बताया कि वो कैसे होते हैं जो अपने आप ही लोगों को प्रभावित करते रहते हैं, और कितना सुंदर उदाहरण दिया गंदी बेचने वाले का कि उसकी महक से जिस तरीके से आप सुवासित होते हैं, वैसे ही साधु पुरुषों के साथ रहने से, आपको सत्संगति में रहने से आप खुद ही संभल जाएंगे, खुद ही आपको अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, अच्छे गुणों से आप परिपूर्ण हो जाएंगे यदि आप सत्संगति में रहेंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दी और बताया कि संगति मनुष्य के लिए कितनी आवश्यक है।